ब्रेकफास्ट के लिए? नहीं, क्रिकेट मैच देखने आई। अरे लेकिन इधर तो दीवार पे टीवी लगा ही नहीं। जोकिंग रे। इन्हें तो आपने पहचान ही लिया होगा, बॉलीवुड में विवेक ओबरॉय ने ज्यादा मूवियां करी नहीं है और जो कुछ करी हैं वो किसी कारण की वजह से चल नहीं पाई हैं। अब एक फ्लॉप एक्टर की कमाई कितनी ही होगी या ये फ्लॉप होने के बावजूद भी लाइमलाइट में कैसे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि फ्लॉप करियर होने के बाद भी ये ऐसी लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपाली और आप देख रहे हैं मिलेनियम टाइम्स और आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब के साथ साथ सेलिब्रिटीज के साइड बिजनेसेस की भी बात करेंगे। देखा जाए तो खुद की ये ब्रांड बनाने का सिलसिला साल 2000 में शुरू हुआ जब BCCI और बॉलीवुड अपने राइज पर था। न सिर्फ विवेक ओबरॉय बल्कि अभिषेक बच्चन, अर्जुन कपूर, तुषार कपूर, उदय चोपड़ा, साहिल खान भी इन फ्लॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं और ये लिस्ट धीरे धीरे लंबी ही होती जा रही है। लेकिन एक्टिंग में अपना करियर ना बनाने के बाद भी ये लाइमलाइट में कैसे हैं और करोड़पति कैसे हैं? अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स विवेक ओबरॉय की नेटवर्थ तकरीबन $19 मिलियन है। इतना सारा पैसा, ये पैसा ऐसी एक्टिंग से तो नहीं आ सकता। फिर दरअसल इन फ्लॉप एक्टर्स के पास कमाई के कई जरिए होते हैं। विवेक ओबरॉय की बात करें तो ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से साल 2016 से जुड़े हुए हैं जो कि अच्छा खासा बिजनेस कर लेती है। इतना ही नहीं, वो एक इन्वेस्टर भी हैं। उन्होंने दुबई में काफी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है। वहीं अगर अभिषेक बच्चन की बात करें तो इनका भी एक्टिंग करियर कुछ खास नहीं था लेकिन उसके बावजूद ये $28 मिलियन के मालिक है। कैसे? दरअसल ये जयपुर की टीम जयपुर पिंक पैंथर के मालिक हैं जो कि इंडियन प्रो कबड्डी लीग में चैंपियंस हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने एक इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टीम भी पार्टनरशिप में खरीद रखी है। इसके अलावा इन्हें स्टार्टअप्स में भी काफी दिलचस्पी है जिसके चलते इन्होंने एम्पल और जिद्दो जैसी स्टार्टअप कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इसी सब के चलते ये लोग ऐसी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इन एक्टर्स के पास एक्टिंग के अलावा भी काफी सारे जरिए होते हैं पैसे कमाने के। कौन से, आइए जानते हैं। देखिए, जो एक्टर्स अच्छा काम कर रहे होते हैं उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी होती है इसलिए उन्हें एड्स और एंडोर्समेंट से ही काफी अच्छा पैसा मिल जाता है। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाती है जिसकी फीस ये कंपनी से जरूर लेते हैं। अब उनका क्या जिनका एक्टिंग करियर फ्लॉप हो चुका है? ऐसे एक्टर्स अपना खुद का रेस्टोरेंट या क्लब ओन करते हैं जैसे लैब द लाउंज बाय अर्जुन रामपाल, क्रीप स्टेशन कैफे बाय डीनो मोरिया, H2O बाय सुनील शेट्टी, दी एल्बो रूम बाय चंकी पांडे। इसके अलावा काफी सक्सेसफुल एक्टर्स ने भी अपनी रेस्टोरेंट की चेन खोल रखी है जैसे शिल्पा शेट्टी, धर्मेंद्र, बॉबी देओल और सुष्मिता सेन। रेस्टोरेंट्स और क्लब के अलावा ये एक्टर्स प्रोडक्शन हाउसेस से भी काफी अच्छा पैसा कमा लेते हैं जैसे शाहरुख खान जिनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है जैसे रेड चिलीज के नाम से जाना जाता है, वो एक्टिंग से ज्यादा इस प्रोडक्शन हाउस से पैसा कमाते हैं। साथ ही अक्षय कुमार का हरिओम एंटरटेनमेंट कंपनी, प्रियंका चोपड़ा जोनस की पर्पल पेबल पिक्चर्स, अजय देवगन की अजय देवगन फिल्म्स, आमिर खान की आमिर खान प्रोडक्शंस, अनुष्का शर्मा की क्लीन स्लेट फिल्म्स, सैफ अली खान की एल्यूमिनाटी फिल्म्स, फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट, जॉन इब्राहिम की जॉन इब्राहिम एंटरटेनमेंट। इसके अलावा ये सेलिब्रिटीज कुछ कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं जैसे अनुष्का शर्मा ने स्लर्प और ब्लू ट्राइब जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है। अथिया शेट्टी, इन्होंने एक सोशल ई कॉमर्स कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है जिसका नाम है Stage 3। वहीं दिया मिर्जा ने ग्रीन डिगो, काजल अग्रवाल ने एक आयुर्वेदिक ब्रांड द आयुर्वेद को में, नौरा फतेही ने एक क्लाउड किचन एग्रीगेटर क्योर फूड्स में, पंकज त्रिपाठी ने एग्रीटेक स्टार्टअप कृषि नेटवर्क में, रकुलप्रीत सिंह ने D2C न्यूट्रासिटिकल स्टार्टअप वेलबींग न्यूट्रिशन में, रणवीर सिंह ने शुगर कॉस्मेटिक्स में, राश्मिका मंदाना ने प्लम में, साथ ही सारा अली खान, शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन ने भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। इसके अलावा काफी सेलिब्रिटीज ने अपना खुद का ब्रांड भी खोल रखा है क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर बनने से उन्हें सिर्फ फीस मिलती है लेकिन अपना खुद का ब्रांड खोलने से एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी ब्रांड्स अच्छा कर रही हैं मार्केट में और कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपनी ब्रांड खोलने की कोशिश तो करी लेकिन ढंग से खोल नहीं पाए। सबसे पहले बात करते हैं उस लिस्ट की जिस लिस्ट में सेलिब्रिटीज अपना अच्छा ब्रांड रन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है अनोमली बाय प्रियंका चोपड़ा। ये काफी प्रॉफिटेबल और जानी मानी हेयर केयर ब्रांड है। दूसरा है के बाय कैटरीना। ये एक मेकअप ब्रांड है जो कि इंडिया में काफी जाने मानी ब्रांड्स को ऑलरेडी टक्कर दे रहा है। साथ ही रोगन बाय विराट कोहली, एड ए ममा बाय आलिया भट्ट, निश हेयर बाय पारुल गुलाटी, हाउस ऑफ पटौदी बाय सैफ अली खान, HRX by Hrithik Roshan, Being Human by Salman Khan and Rene by Ashika Goradia। ये तो वो ब्रांड्स हैं जो कि सक्सेसफुली मार्केट में रन कर रही हैं।
कुछ सेलिब्रिटीज ने तो अपना ब्रांड 2 साल में बनाकर बंद भी कर दिया, जैसे शाहिद कपूर की स्कल्ट, सोनम कपूर और रिया कपूर की रीसन, जस्ट एफ बाय जैकलीन, नुश बाय अनुष्का शर्मा, ड्रीम बाय शिल्पा और मिस्टेकन बाय कृति सनन। हालांकि हाल ही में कृति सनन ने अपने खुद की एक ब्रांड वापस खोलने की कोशिश करी है जिसका नाम है हाइफन, और दीपिका पादुकोण की 82 डिग्री ईस्ट ये कंपनी भी मार्केट में अपनी जगह बना रही है, लेकिन इसे इतना सक्सेस मिल नहीं पा रहा है। लेकिन क्या कारण है कि इतने फेमस सेलिब्रिटीज की ब्रांड चल नहीं पाती? इसका जवाब है क्योंकि ये ओवर प्राइज्ड होते हैं, और ओवर प्राइज्ड होने के बावजूद भी इनकी क्वालिटी काफी लो होती है। साथ ही ब्रांड के साथ अपना खुद का इन्वॉल्वमेंट और डेडिकेशन होना भी बहुत जरूरी है, और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ जिस तरह से अपनी ब्रांड के साथ जुड़ी हुई है और लगातार उस पर काम करती है, कुछ ऐसा ही डेडिकेशन बाकियों को भी दिखाना होगा, वरना ये लोग अपना खुद का ब्रांड कभी एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। कुछ इसी तरीके से ये फ्लॉप एक्टर्स फ्लॉप होने के बावजूद लग्जरी और लाइमलाइट में बने रहते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिलेनियम टाइम्स।